दिस वीडियो इज अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। ये वीडियो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी के बारे में है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की होल चाइल्ड लाइफ स्टोरी जो है वो बताई हुई है। दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद आइंस्टाइन्स डिसएग्रीमेंट ऑन रोट लर्निंग विद हिज हिस्ट्री टीचर। डिसाइडेड द डॉक्टर सर्टिफिकेट, ओके, टू टेक द डॉक्टर सर्टिफिकेट एज द रीजन फॉर दिस इज नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन एंड ही वांट रेस्ट फॉर 6 months, सो ही कैन गेट अवे फॉर 6 months फ्रॉम द स्कूल। So, only his math teacher admired Einstein for his brilliance because Albert Einstein was very good in maths. Okay, so Einstein जो है वो medical certificate लेके head teacher के पास में जाते हैं, यानी principal के पास में जाते हैं और principal को बताते हैं। उसके पहले ही principal उन्हें बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनके behavior class में अच्छे नहीं है, तो उनको उनके poor conduct के लिए school से निकाला जाता है। तो Albert Einstein काफी खुश हो जाते हैं। तो देखिए, ये इसी प्रकार की कहानी है। Albert Einstein at school means a person who is unsuccessful in his school is very successful in his real life. तो देखिए यहाँ पर जो कैरेक्टर है, सबसे मेन कैरेक्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो उनके स्कूल डेज में म्यूनिच में रहते हैं और उन्हें न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी पसंद है और उनके मैथ्स टीचर जो है जिनका नाम है मिस्टर ब्राउन, ओके, वो उन्हें काफी उनके मैथ्स टीचर जो है उनको काफी अच्छे से समझते हैं। मिस्टर ब्राउन यहाँ पर हिस्ट्री टीचर का नाम है और यूरी जो है वो आइंस्टाइन, यूरी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन, ओके, जिसके साथ वो हर बात अपनी शेयर करते हैं। और एल्सा वाज आइंस्टाइनस कजन्स, वो उसे हमेशा सलाह देती है, उसे स्कूल कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। ये डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ये क्वालिफाइड डॉक्टर का नाम है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने में मदद करते हैं। देन मिस्टर कोच, मिस्टर कोच ये आइंस्टाइन के मैथ्स टीचर का नाम है, जिन्हें मैथ्स का जो के बारे में वो हमेशा अल्बर्ट को सिखाते रहते हैं और मैथ्स में अल्बर्ट काफी ब्रिलियंट है, ये उन्हें अच्छे से समझ में आता है। हेड टीचर जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री टीचर है वो आइंस्टाइन को क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई डिड प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो जैसे ही ये क्वेश्चन करते हैं तो आइंस्टाइन सीधे से बोलता है आई डोंट नो सर। सो इतने में आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर भड़क जाते हैं, उन्हें काफी गुस्सा आता है। देन डिड यू ट्राई टू लर्न, ऐसे क्वेश्चन उन्हें करते हैं तो बोलते हैं नो सर, अल्बर्ट बोलता है नो सर। देन क्वेश्चन पूछते हैं टीचर व्हाई नॉट, देन ये सब पॉइंट्स लर्न करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ओके। देन मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट, मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर है वो थोड़ी देर तक स्पीचलेस हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं डोंट यू रियलाइज दैट वन ऑलवेज मोस्ट ओके थिंग्स इन अप इन द बुक लाइक दिस रोट लर्निंग, ओके, आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, ऐसे सब क्वेश्चन करते हैं टीचर। तो आइंस्टाइन फ्रैंकली बोलता है सर आई डोंट, ओके। सो टीचर पूछते हैं कि भाई तुम्हें एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करते हो या नहीं, तो बोलता है कि भाई सर आई डोंट लाइक दिस रोट लर्निंग एजुकेशन, ओके, आई डोंट लाइक टू लर्न दिस फैक्ट्स व्हिच आर हैपेंड इन हिस्ट्री। तो अल्बर्ट एक अलग किस्म का स्टूडेंट होता है जिसका जो ब्रिलियंस है वो अलग चीजों में होता है हिस्ट्री के अलावा। तो हिस्ट्री टीचर जो है वो उसे बोलते हैं कि भाई वो काफी इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हेवी सार्कास्म परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। सो अल्बर्ट काफी परप्लेक्स हो जाता है, फ्लश हो जाता है एंड आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट दैट्स मैटर बट आइडियाज, अल्बर्ट बोलता है। सो अल्बर्ट इज अगेन एडिंग I don't see the point in learning dates and battles. उसे learning dates और battles में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, कोई भी interest तो नहीं होता है। और opposing soldiers में interest है, those are trying to kill each other. Okay, that's enough. तो Mr. Brown जो है काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई teacher से ऐसे बात करते समय तुम्हें शर्म नहीं आती, ओके, सो यू विल स्टे फॉर एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। सो उसे पनिशमेंट देते हैं, ऑल्दो अल्बर्ट डजंट इमेजिन इट, ओके, विल इट विल डू यू मच गुड, ऐसे उसको टीचर बोलते हैं। देन से स्टूडेंट्स हियर इट वोंट डू स्कूल एनी गुड आइदर, मींस टीचर बोलते हैं कि भाई डिसग्रेस तुम्हारे ऊपर में, मुझे शर्म आती है, ओके, सो टीचर काफी गुस्सा हो जाते हैं और अल्बर्ट को भी थोड़ा सा मतलब वहां पे वो सोच में पड़ जाता है। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल अनहैप्पी, सो उसके लिए काफी बैड डे होता है क्योंकि पूरे दिन भर टीचर ने उसे डांट और डांट उसको सुननी पड़ी हुई रहती है। द मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हेटफुल प्लेस अल्बर्ट के लिए कौन सा, यहाँ पर स्कूल है। सो ही ओनली विश हिज फादर वुड टेक हिम अवे, देयर वाज नो पॉइंट इन द इवन आस्किंग, ही न्यू दैट आंसर वुड बी, उसे पता था कि उसके फादर जो है उसको बोलेगा, उसके फादर बोलेंगे डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में वहां से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। सो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, मतलब वो जब लॉजिंग में जाता है तो काफी
खुश नहीं रहता है और उसके पिताजी के पास में भी काफी कम पैसा रहता है, वो गरीब रहते हैं। ओके, ताकि मुनिश में एक बहुत ही गरीब लोकेलिटी में वो रहते हैं, तो ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, इवन द डर्ट एंड स्क्वैलर, मतलब वो भी काफी स्लम एरिया में रहता है। ओके, बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, मतलब वहाँ का एटमोसफियर उसे काफी मतलब हेट करता है। वहाँ की जो लैंड लेडी है उसकी, वो हमेशा उनके बच्चों को मारते रहती है। एवरी सैटरडे उसका जो हस्बैंड है वो ड्रिंकिंग करके आता है, उसको मारता है। तो ये बातें काफी अल्बर्ट को हर्ट करती है। देन बट लिस्ट हियर यूरी का जो उसका जो फ्रेंड है, जब उसे मिलने आता है तो वो बोलता है कि भाई एक खुद का भी रूम होना बहुत जरूरी है, देन वहाँ पर तू काफी सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स करके रह सकते हैं। बट अल्बर्ट बोलता है कि वहाँ के स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं वो सभी पुअर हैं, और यूरी बोलता है कि हाँ वो लोग सिविलाइज भी नहीं है। डिड नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ड्यूअल, मींस झगड़ा, क्वारल। तो इस स्लम लोकेलिटी की खासियत है जहाँ पर काफी झगड़ा हो जाता है, ओके, मर्डर होते रहता है, ये सब चीजें वहाँ पर होती रहती है क्योंकि वहाँ के ओके देन नथिंग ऑफ कोर्स ही इज इवन अ प्राउड ऑफ इट, हिज ओनली वरी इज दैट अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स। ओके, सो इस प्रकार से यूरी और अल्बर्ट में डिस्कशन होता है और अल्बर्ट यहाँ पर अपसेट होता है क्योंकि अभी उसे ऐसा लगता है कि उसे स्कूल से उसके कब छुटकारा मिलेगा। ओके, देन यूरी इज हिज बेस्ट फ्रेंड, सो इज शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स ओके विद हिज फ्रेंड, एंड अल्बर्ट उसको बताता है कि भाई आई वॉन्टेड टू गो फ्रॉम दिस प्लेस बट आई डोंट थिंक आई विल एवर, आई कांट गो। ओके, बट ही सेड he doesn't think he would pass the exams for the school diploma because he did not have interest in the school. Okay, so ye sab baat wo uske cousin hai Elsa hai usko bhi batata hai aur wo Munich se aati hai aur wo Berlin mein rehti hai, Berlin jo ki Germany ka capital hai jahan par uske father ka business hota hai, aur see guys here he ek bharosa dilati hai ki bhai tum agar padhai karoge, exam mein pass hone ka pura confidence apne aap mein hoga, tum try karoge to zarur pass ho jaoge। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो तुम्हारे से भी स्टूपिड है लेकिन वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं। सो हियर शी इज ट्राइंग टू टेल अल्बर्ट टू गिव द एग्जाम एंड टू पास इट। ओके, सो अल्बर्ट सेज दैट्स द होल ट्रबल फॉर हिम, आई एम ही इज नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। ओके, वो बताता है कि भाई ये सब पैरट लर्निंग है, ये सब रोट लर्निंग है, वो उसे पसंद नहीं है। एल्सा बोलती है कि आई कैन सी द बुक अंडर योर आर्म। Okay, so she's asking the name of book. So he's telling geology, rock and things. So do you learn that? So he said, no, we hardly any science at school. So that, then why are you reading this book? Because Albert says, because I like this. So Elsa बोलती है कि भाई ये enough reason है, तुम्हें जो चीज काम पसंद है मन से करते हो, तुम पढ़ाई भी मन से करोगे तो definitely पास हो जाओगे। तो अल्बर्ट बोलता है कि वो बोलती है कि यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, बट तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा पास करने के लिए ये सब बातें करना बहुत जरूरी है। अल्बर्ट वायलिन रेगुलरली प्ले करता है और अंटिल उसकी जो लैंडलेडी है उसको वायलिन स्टॉप करने के लिए जब तक वो बोलती नहीं तब तक वो वायलिन बजाते ही रहता है। देन द वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व सी सेड्स, ओके दैट्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस, हाउ द किड्स हाउलिंग, मीन्स अल्बर्ट की जो कजन है बोलती है कि भाई इस घर में कितना नॉइज है, बच्चे कितने चिल्ला रहे हैं। सो अल्बर्ट जो है उसे बताता है कि भाई इट इज हैपनिंग रेगुलरली इन दिस हाउस। ओके, देन एक दिन अल्बर्ट यूरी को बोलता है आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर आफ्टर सिक्स मंथ्स अलोन इन म्यूनिच, मींस ही वांटेड टू गो इन म्यूनिच। सो इन ओके इट इज आफ्टर दैट ही शुड गो ऑन लाइक दिस, सो इन द एंड इट विल टर्न आउट एंड ही हैड बीन वेस्टिंग हिज फादर्स मनी। ओके, एंड एवरीवन्स टाइम बिकॉज ही हैड did not have any interest, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पिताजी का पैसा बेकार में खर्च हो रहा है। Then Yuri बोलता है, उसे क्वेश्चन करता है कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो वहां जाके क्या करोगे, what will you do? So he's answering, I don't know. So if I go to Milan, here I miss Albert Einstein because Albert is the narrator of the story. So he is afraid of his father will send him back. अगर वो मिलान जाता है जो इटाली में है तो उसके फादर उसको जरूर वापस भेज देंगे। Unless he has glimmed with sudden idea. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी बोलता है कि मुझे तो भाई बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड हैं, तो उनके बारे में तो मुझे जरूर पता है। ओके, सो ही सेड आई डू नॉट हैव मनी टू गो टू अ डॉक्टर। सो अल्बर्ट के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि भाई इफ आई सेड आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन द डॉक्टर विल गिव मी अ मेडिकल सर्टिफिकेट।
इट वुड बी द गुड रीजन टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल। सो अल्बर्ट बोलता है कि मैंने भी डॉक्टर को अगर बोला कि माय सेल्फ नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन, तो ये मुझे स्कूल से दूर रहने के लिए एक बहुत अच्छा रीजन है। यूरी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर उसके साथ एग्री रहेंगे। सो अल्बर्ट सेज ही मस्ट ट्राई ओके टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। सो यूरी बोलता है कि बहुत सारे डॉक्टर है, देयर आर प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट बट ही सेड रिलक्टेंटली ही विल आस्क सम स्टूडेंट्स इफ दे नो एनी मेडिक नर्वस नर्व्स डॉक्टर ओके। सो डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन न्यूरोलॉजी। सो यूरी एज यूरी टोल्ड दिस आंसर अल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू थैंक यू ओके। सो इस प्रकार से अल्बर्ट जो है बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मुझे जरूर और इसका जो रियल नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन है ऐसे ही वो नाटक करेगा ड्रामा करेगा और वो सर्टिफिकेट वो ले लेगा। देन यूरी बोलता है आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस ओके। बट अभी अल्बर्ट बोलता है कि अ डे और टू द स्कूल विल पुट दैट राइट ओके। और उससे ऐसा लगता है कि भाई ही इज नॉट हैप्पी विद द स्कूल एंड ही वांट टू गो अवे फ्रॉम द स्कूल। एंड ही सेड आई शैल हैव अ रियली नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन सो लाइकवाइज दिस आई विल सेटिस्फाई माय डॉक्टर। सो इज गाइस हियर सो यूरी इज नाउ टेलिंग हेल्पिंग टू अल्बर्ट एंड ही सेड आई हैव फाउंड वन डॉक्टर फॉर यू ओके। सो यू हैव ही टोल्ड हिम यू कैन हैव अपॉइंटमेंट टुमारो इवनिंग विद द डॉक्टर ओके। सो यूरी उसको एड्रेस भी देता है। देन अल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर हैंडल करता है, वो डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। सो वो नर्वस ट्रबल्स को सॉल्व करता है ओके। ही इज अ न्यू डॉक्टर सो यू मे बी हिज फर्स्ट पेशेंट ओके। सो ही न्यू हिम एज अ स्टूडेंट बट नाउ ही इज अ डॉक्टर ओके। सो ही विल हेल्प यू। सो बट अल्बर्ट को बोलता है कि भाई ही इज नॉट अ फूल ओके, ही इज अ डॉक्टर कीप इन माइंड। फ्रेंड्स डोंट ट्राई टू पुल अ वूल ओवर हिज आईज दैट्स ऑल। एंड ही सेड हिम बहुत फ्रैंकली डॉक्टर के साथ बात करना है, कोई भी प्रिटेंड या कोई भी ढोंग नहीं करना है। तो अल्बर्ट जो है नेक्स्ट डे डॉक्टर को क्या बोलना है ओके और उसकी सब प्रिपरेशन करके जाता है और अपॉइंटमेंट का डॉक्टर के साथ में टाइम हो जाता है। नाउ ही हैड वरीड ओवर इट सो मच ही वाज रियली क्वाइट नर्वस मींस आई चीट और डिसीव हिम मींस। सो उन अल्बर्ट जो है यंग डॉक्टर अल्बर्ट को बहुत अच्छी स्माइल देते हैं और वो सब डॉक्टर से बातचीत करता है और डॉक्टर को बोलता है कि भाई मेरा नर्वस सिस्टम जो है ब्रेकडाउन हो चुका है। सो डॉक्टर बोलते हैं रियली सो यू मस्ट गो बैक टू दैट स्कूल। सो ओके सो यू मस्ट गो बैक टू स्कूल। डॉक्टर बोलते हैं कि इससे पहले पता है कि वो क्या बोलने वाले हैं। तो वहीं पे अल्बर्ट का जो फेस है वो थोड़ा निराश हो जाता है एंड ही शुडंट हैव टू टोल्ड यू दैट ओके। सो ये सही बात है क्या? तो अल्बर्ट बोलता है यस दैट इज ट्रू दैट इज माई ट्रबल नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन। सो ही सेड नथिंग देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी बट यू टेल मी टू गो बैक टू द स्कूल यू विल टेल मी टू गो बैक टू द स्कूल। अल्बर्ट के बाद में मिस बीच में डिस्कशन हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम स्कूल के बारे में काफी निराश हो और इसीलिए और तुम इस प्रकार का बहाना बना रहे हो बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू से मी अबाउट दिस इफ यू हैडन्ट अ प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन। सो डॉक्टर बोलते हैं कि इफ आई सर्टिफाई यू यू हैड अ नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन You must stay away from school for a while. What will you do? तुम स्कूल से दूर रहोगे तो तुम क्या करोगे ये सब सर्टिफिकेट लेने के बाद? तो बोलता है कि I will go to Italy. मिलान में मेरे पेरेंट्स रहते हैं एंड बट डॉक्टर पूछते हैं कि what will you do there? So अल्बर्ट बोलता है कि मैं इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा और डॉक्टर बोलते हैं कि हाउ कैन यू डू दिस विदाउट डिप्लोमा। सो वो बोलता है कि वो मैथमेटिक्स टीचर से पूछेगा, वो जरूर उसे हेल्प करेंगे उसकी प्रैक्टिस में क्योंकि उसने बहुत अच्छे से मैथ्स स्कूल में लर्न किया हुआ है। Then Dr. Well, उसकी तरफ में थोड़ा सा डाउटफुली देखते हैं। तो आई विल डाउट इट विल कम ऑफ एंड आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ फॉर एनीवन एल्स मच गुड बाय साइड हियर। सो वो डॉक्टर को क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुझे ये सर्टिफिकेट देने के बाद में मैं 6 months के लिए स्कूल से दूर रह सकता हूँ। सो डॉक्टर उसको यस रिप्लाई देते हैं। देन से स्टूडेंट्स डॉक्टर अर्नेस्ट वेल भी उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हैंडेड ओवर कर देते हैं और उसको बेस्ट डॉक्टर बोलते हैं। जो है अल्बर्ट का बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है बट अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर ऑन यूरी बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टू क्यूर टू द सफर ओके। सफर इज अ काइंड ऑफ अ फूड। सो अभी यूरी समझ में यूरी को समझ में आता है कि उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है और 6 months इज अ गुड पीरियड फॉर हिम ओके। एंड दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल। सो इफ वर्स्ट कम्स द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक
एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा। सो अल्बर्ट बोलता है कि भाई मैं एक बार यहाँ से चला गया तो वापस फिर नहीं आऊँगा। ओके सो ये जो सर्टिफिकेट है मैं कल हेड टीचर को देने जा रहा हूँ एंड इट विल बी द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। और डोंट फॉरगेट टू गेट, यूरी उसको बोलता है कि डोंट फॉरगेट टू गेट रेफरेंस फ्रॉम द मैथमेटिक्स टीचर। ओके सो इस प्रकार से गाइस मिस्टर कोच जो मैथमेटिक्स टीचर है वो अल्बर्ट को रेफरेंस दे देते हैं वहां से, थैंक यू बोलता है अपने टीचर को और वहां से वो चला जाता है। देन इट वाज स्टिल ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड हिम द पॉइंट दैट अल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर द कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और मिस्टर कोच जो उसके मैथमेटिक्स टीचर है उसे एक सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि भाई तुम मैथमेटिक्स का हायर स्टडीज करने के लिए यहाँ से आगे जा सकते हो, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। देन आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, उसके टीचर बोलते हैं, ऑल्दो यू हैव यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माय क्लास, इट इज ऑलमोस्ट ओनली द क्लास, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम। सो अल्बर्ट बोलते हैं कि भाई ये मैथ्स का क्लास है जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती है और देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, टीचर बोलते हैं यू आर वेरी गुड। और अल्बर्ट जो है वहाँ से हेड टीचर के पास भी जाता है और उतने में ही ही वाज समन्ड टू द हेड रूम। उसको हेड वहाँ वो सर्टिफिकेट्स दिखाने के पहले ही हेड टीचर से रूम में से उसको बुलवाता है। देन वेल इट शेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और आउटसाइड, ही थॉट, उसे बहुत खुशी होती है कि भाई अच्छा हो गया मुझे यहाँ वेट करने से पहले ही बुलाया गया। सो ही हार्डली बोदर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, बट वैगुअली सपोज ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। क्योंकि अल्बर्ट को ऐसे लगता है कि भाई उसे उसके बैड वर्क के लिए, उसके लेजीनेस के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके बट हेड टीचर उसको बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू। ओके बट अल्बर्ट को बड़ा सरप्राइज होता है कि भाई टीचर आज अलग ही तरीके से मेरे साथ बात करते हैं। ओके हेड टीचर बोलते हैं योर वर्क इज टेरिबल, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू देयर एनी लॉन्गर। ओके एंड हेड टीचर बोलते हैं आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, वो बोलते हैं कि तुमको स्कूल से निकाला जाता है। अल्बर्ट बोलता है लीव नाउ। ओके सो टीचर बोलते हैं दैट इज व्हाट आई सी, सो अल्बर्ट बोलता है आई एम टू बी एक्सपेल्ड। ओके डेफिनेटली हेड टीचर बोलते हैं कि द सिंपलेस्ट थिंग्स विल बी यू गो ऑन योर ओन एकॉर्ड एंड देन क्वेश्चंस वोंट अराइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम खुद होकर स्कूल छोड़ के चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्बर्ट बोलता है, कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। ओके तो हेड टीचर उसका आंसर देते हैं इवन योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर्स पीपल मीन स्टूडेंट्स टू लर्न। सो हेड टीचर बोलते हैं कि भाई तुम काफी परेशान करते हो बच्चों को, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, कॉन्स्टेंट रिविलियन करते हो, इसलिए तुमको स्कूल से निकाला जाता है। ओके सो सी हियर गाइस, नाउ अल्बर्ट फेल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग द होल इन हिज पॉकेट, मींस देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। सो ऑलरेडी हेड टीचर ने बोला हुआ रहता है यहाँ से चले जाओ, स्कूल छोड़ के चले जाओ। सो फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ द स्कूल, अल्बर्ट को ऐसे लगता है स्कूल के बारे में उसके बारे में कुछ उसको वर्ड सुना है, लेकिन अल्बर्ट अपने आप को कंट्रोल करता है और वो वहाँ से निकल जाता है एंड शट द डोर आफ्टर यू, हेड टीचर उसको गुस्सा करते हैं बट अल्बर्ट उसकी तरफ में ध्यान नहीं देता है और वो सीधा वहाँ से चला जाता है आउट ऑफ स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, 5 साल उसने बड़े दुख से वहाँ पर निकाले हुए रहते हैं और वो वहाँ पर किसी के बारे में नहीं सोचता है बट वो वहाँ पर सिर्फ उसका जो एक फ्रेंड है, जो बिलव्ड फ्रेंड है यूडी, ओके वहाँ पर वो अकेला वहाँ पर खड़ा रहता है, उसी को वो गुड बाय बोलता है। ओके ओनली पर्सन इन म्यूनिच ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। नाउ एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा भी बर्लिन में चली जाती है एंड यूडी को कोई रियल फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं रहते हैं और यूडी को वो लास्ट टाइम मिलता है तो यूडी भी उसको गुड बाय गुड लक बोलता है एंड यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पी देयर। इस प्रकार से उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसको बेस्ट विशेष उसके करियर के लिए देता है।